स्टूडियो स्टार, म्हारी संस्कृति म्हारी पहचान। सीजन का फल भी खाना चाहिए और सीजन का भजन भी गाना चाहिए। ये श्रावण मास शंकर भगवान के नाम से सनातन धर्म में पूजा जाता है। दादा कैसे शिव जी के गुण मन कद गाओगा और मान जा मन बेईमान न तपस्ताओगा। पहली कली में निबला रहे कोई घने कर्मों में कोई पुण्य कर्म जमा हुआ होगा। जब ये चीज मिली है भगवान के पास, जो सबसे कीमती चीज थी उसने हमारे को दे रखी है, उसने कुछ भी छुपा के नहीं रखा है। भगवान के खजाने में आदम दो चोले से कीमती कुछ भी नहीं था, ये सबसे कीमती था, ये हमारे को बख्श रखा है। अब गलती कमी है तो हमारी है, उसकी नहीं है। पहली कलिम दादा कह रहे जीव के संजोग से जो साह लगी, पाप के मापुन की कोई छाया मिलेगी। अरे इसीलिए आदमी की काया मिलेगी। अरे भूल क्या बेईमान तने माया मिलेगी। भूल क्या बेईमान तने माया मिलेगी। भूल क्या बेईमान तने माया मिलेगी। अरे बंधन के मार रहे बंधन के मार रहे। अरे बंधन के मां आने घर आई कितन सावेगा। मन बेईमान पछतावेगा। ओ शिव जी के गुण मन पछतावेगा। मन बेईमान पछतावेगा। शिव जी के गुण मन सम्मानित मंदिर में पंडित जी पुजारी जी सौ रुपये से आशीर्वाद दिया, मेरा बार बार प्रणाम। माता जी ने सौ रुपये से आशीर्वाद दिया, मेरा बार बार प्रणाम। मन और सुरत का खेल शरीर में होता है, सारे संसारी काम मन करता है और अंदर की सारी ट्रीटमेंट आत्मा का ही छोटा रूप ये सुरत ये करती है। जब आदमी सो जाता है चाहे कितनी थकान में हो, ऐसा क्या है कि सोने के बाद कहाँ चला जाता है, उठता है तो फ्रेश मिलता है। ये विद्वान पुरुष ये कहते हैं कि वो सूरत सोने के बाद अंदर का ट्रीटमेंट करती है, सारा वो अंदर का काम सूरत करती है और बाहर का सारा काम मन करता है। दादा मन के विषय में दूसरी कलिम कह रहे हैं। मन किसे न चढ़ा, डावे पीता भोए
संगत तजते मन सुख पावेगा अनमान जामन बेईमान पछतावेगा ओ शिव जी के गुण मन तजगाएगा अनमान जामन बेईमान पछतावेगा ओ शिव जी के गुण मन तजगाएगा ठकाने कैसे लावेगा मान जामन बेईमान पछतावेगा ओ शिव जी के गुण मन बतावेगा मान जामन बेईमान पछतावेगा ओ शिव जी के गुण मन बतावेगा सृष्टि की संरचना हुई है ये कहते हैं जब वापस जाती है तो उसी क्रम में वापस चली जाती है। शब्द से कहते हैं आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से फिर वायु चली है, वायु चलने के बाद फिर अग्नि उत्पन्न हुई है और उससे फिर जल पैदा हुआ है और फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, इस क्रम में पांचों तत्व आए हैं। और ये विद्वान कहते हैं वापिस जागा जब नहीं हुए चलिया जागा के जितना भी जल पृथ्वी पे है ये समंदर भरे सुसान लाग रे, ये युगों युग बीत के नदी गलन लाग रही, समंदर के मा पल पल दिन रात नदी गलन लाग रही और वो न्यू कान्यू लौट रहा है, सबको अपने अंदर समा रहा है, इतना भी आगे नहीं सरकता है। न्यू कहे इतना जल है पृथ्वी पर जब पड़ेगा समा आओगे ये जल उठ के चल पड़ेगा, सब शहर नगर गांव बिल्डिंग बाजार यो सब क्या अपने माँ घोड़ देगा, अग्नि फिर इसे सुखा देगी, वायु बोले इसने लेकर फिर चली जाएगी, बोले दादा फिर आखिरी में बचेगा के नहीं, बोले नहीं बचेगा। श्री लक्ष्मी चंद गुरु जी का सदा दास रहेगा, गुरु का बताया वेद पास रहेगा, हर दसों इंद्री जीतना निराश रहेगा, और इस सृष्टि में केवल एक आकाश रहेगा, इस सृष्टि में केवल एक आकाश रहेगा, इस सृष्टि में केवल एक आकाश रहेगा, सच्चे घर पे रहे गुरु
प्रभु के दर पे मन में सर घर पे जय सच्चे दर पे पहुंच गया ना वापिस आवेगा मान जा मन बेईमान पछतावेगा शिव शिव जी के गुण